हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था यहाँ पे रिलेशन एंड उसके टाइप, तो वहाँ पे हमने देखा था एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। तो उसी से रिलेटेड आज हमारा एक्सरसाइज 1.1 के हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिससे कि वो सारी चीज़ें हमें क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि लास्ट क्लास में हमने यहाँ पे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिट किस तरह से हमने डिस्कस किया था वहाँ पे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे रिफ्लेक्सिव की बात करी थी। तो रिफ्लेक्सिव कब होता है? कोई भी यहाँ पे रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा? किसी सेट ए से यहाँ से रिलेटेड होगा अगर रिलेशन हमारा ए कॉमा ए अगर आर में बिलोंग कर जाए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। सेट ए में जितने भी एलिमेंट होंगे अगर इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर आर में आ रहे हैं, तो उसको हमने क्या कहा था यहाँ पे? रिफ्लेक्सिव किया था, ठीक है। उसको क्या कहा था यहाँ पे? रिफ्लेक्सिव कहा था। एंड दूसरा हमारे पास यहाँ पे सिमेट्रिक कब कहा था? मान के चलो कि हमारे पास ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, दिस इम्प्लाइज दैट बी कॉमा ए भी हमारा आर में बिलोंग करना चाहिए, तभी हमने उस रिलेशन को क्या कहा है? सिमेट्रिक कहा है। थर्ड वाला क्या था हमारे? ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव हमने क्या कहा था? अगर ए कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहा है, बी कॉमा सी ये भी आर में बिलोंग कर रहा है, दिस इम्प्लाइज दैट ए कॉमा सी भी हमारा आर में बिलोंग करेगा, ए कॉमा सी भी हमारा आर में बिलोंग करना चाहिए, तभी हम इसको क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव कहते हैं। तो ये हमारे इम्पॉर्टेंट रिलेशन थे यहाँ पे, तीन टाइप के, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो चलिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो इसका ये फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है। एक रिलेशन आर दे रखा है किसी सेट ए में, जहाँ पे सेट ए क्या कह रहा है? 1, 2, 3 एंड सो ऑन टू 14 तक। तो यहाँ पे कितना देर का? यहाँ पे 14 तक। डिफाइंड एज, और उसने डिफाइंड कर रखा है इस रिलेशन को कुछ इस तरह से, आर हमारा क्या है? एक्स कॉमा वाई है, सच दैट 3x - y = 0। तो ये हमें चेक करना है कि ये वाला जो रिलेशन है हमारा, ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तीनों को हम चेक करेंगे, ठीक है। डेफिनेशन आपके साइड में लिखे हुए हैं। तो रिफ्लेक्सिव किसे कहते हैं, सिमेट्रिक किसे कहते हैं एंड ट्रांजिटिव किसे कहते हैं। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास देखो एक रिलेशन इस तरह से दिया हुआ है, जहाँ पे क्या दिया हुआ है? 3x - y = 0, ठीक है। y को अगर मैं इक्वल के उस साइड भेजूँ तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये क्या आएगा? 3x = y। ये रिलेशन जो है हमारा, वो क्या है? ए टू ए जा रहा है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। इसमें सेट ए ही है। तो ए टू ए में हमारे पास देखो एलिमेंट क्या है? ए में 1 से लेके 14 तक, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन टू कितने होंगे? 14 तक, ठीक है। सिमिलरली उसमें भी, इसमें भी ए होंगे, ये सेट ए से ए ही में रिलेशन जा रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 9 भी होगा यहाँ पे, 12 भी होगा एंड 14 तक लास्ट। मैंने कुछ यहाँ पे मिसिंग कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे सारे एलिमेंट 1 से लेकर 14 तक, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो ये वाला सेट होता है, पहला वाला सेट, यहाँ पे वैल्यू ऑफ एक्स एंड जो दूसरा वाला सेट होता है वैल्यू ऑफ वाई, क्योंकि इसी रिलेशन को मैं क्या, जो ये हमारे पास ये रिलेशन आया हुआ है, तो ये इसको क्या लिख सकता हूँ? y = 3x है, तो इसको मैं fx = 3x भी लिख सकता हूँ, ठीक है। ये हमने 11th में अच्छे से करा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं x की जगह 1 रखता हूँ, ये हमारे पास ये x की वैल्यू होती है, और ये fx बोल लो या इसको y भी बोल सकते हो, ठीक है। अगर मैं x की जगह 1 रखता हूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास? 3 × 1 = 3। तो 1 का रिलेशन किसके साथ जा रहा है? 3 के साथ, ठीक है। सिमिलरली x की जगह अगर मैं 2 रखता हूँ, तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 3 × 2 = 6, y की वैल्यू 6। 3 रखूंगा तो कितना आएगा? 9। 4 रखूंगा कितना आएगा? 12 एंड 5 रखूंगा तो कितना आएगा? 15। और 15 हमारे पास एलिमेंट है ही नहीं इस सेट में, 15 हमारे पास एलिमेंट है ही नहीं इस सेट में। तो रिलेशन कुछ इस तरह से बन रहा हमारे पास। रिलेशन क्या बनना है? 1 का रिलेशन 3 के साथ, 1, 3 हो जाएगा,
टू का सिक्स के साथ, टू कॉमा सिक्स हो जाएगा, थ्री का नाइन के साथ एंड फोर का 12 के साथ। और 5 को अगर मैं जैसे x की वैल्यू 5 रख रहा हूँ तो यहाँ पे कितना आ जा रहा है, 3 5 जब 15, और 15 तो हमारा है ही नहीं। वैसे ही 6 रखेंगे तो 6 रखने पे क्या हो जाएगा, 6 3 जब 18, तो 18 भी नहीं है, उसके आगे के एलिमेंट आ ही नहीं सकते यहाँ पे, ठीक है। तो सिर्फ इन चार एलिमेंटों का रिलेशन इनके साथ आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, बाकी तो और कोई आएगा नहीं यहाँ पे रिलेशन में। तो अब हमें चेक करना है कि ये वाला जो रिलेशन है हमारा, ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, ठीक है। सेट ए में हमारे पास कितने एलिमेंट हैं, 1 से लेके 14, तो रिफ्लेक्सिव ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तभी कहलाएगा जब इसके इसमें क्या क्या है, 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 एंड सो ऑन टू 14,14 अगर इस आर में आ रहे होंगे, तब हम इसको क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव कहेंगे। तो हमें यहाँ पे एक भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पे 1,1 भी नहीं दिख रहा है, तो इस केस में तो ये हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, ठीक है। सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं उसके ये इस तरह से ऑर्डर पेयर 1,1, 2,2 वो सारे आर में आने चाहिए थे, बट यहाँ पे एक भी नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तुम 1,1 भी दिखा सकते हो, बाकी 2,2 भी दिखा सकते हो, बस हमें क्या कहते हैं, अगर रिफ्लेक्सिव कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिर्फ एक चीज को दिखा दो कि ये एलिमेंट की इमेज खुद ही नहीं बन रही थी यहाँ पे इस तरह से, या 1,1 आर में नहीं आ रहा है, 2,2 आर में नहीं आ रहा है, 3,3 आर में नहीं आ रहा, सिर्फ एक को दिखा दो काफी है, यहाँ पे सारे यहाँ पे एलिमेंट को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ एक ही काफी है रिफ्लेक्सिव शो नहीं करने का, ठीक है। तो ये बात तो हमें पता चल गई कि ये रिलेशन हमारे रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब हम चेक करेंगे कि ये हमारा सिमेट्रिक है या नहीं है। तो चलिए सेकंड यहाँ पे हमारे पास सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या है, अगर ए कॉमा आर हमारा ए कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहा है, तो बी कॉमा ए भी हमारा आर में बिलोंग करना चाहिए, तभी हम इस रिलेशन को सिमेट्रिक कहेंगे। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 1,3 हमारा आर में तो बिलोंग कर रहा है, बट 3,1 आर में बिलोंग नहीं कर रहा है, 3,1 आर में बिलोंग नहीं कर रहा है, कहीं पे दिख रहा है 3,1, नहीं दिख रहा है ना, तो 1,3 तो आर में बिलोंग कर रहा है, बट 3,1 आर में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इस केस में क्या होगा, ये सिमेट्रिक नहीं होगा, ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक भी नहीं है। तो क्या लिखोगे यहाँ पे सेकंड पार्ट को चेक करने के लिए, 1,3 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, बट 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक, क्लियर है यहाँ पे रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। अब हम बात करेंगे यहाँ पे ट्रांजिटिव की, ठीक है, ट्रांजिटिव की डेफिनेशन थोड़ा समझने की कोशिश करना। ट्रांजिटिव हमारा क्या है, अगर ए कॉमा बी हमारा आर में बिलोंग कर रहा है, बी कॉमा सी भी उस केस में आर में बिलोंग कर रहा है, तब हमने चेक करना होता है कि ए कॉमा सी भी आर में बिलोंग करना चाहिए, तभी ये रिलेशन हमारा क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। मैंने लास्ट वीडियो में इसके बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, अगर लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको देखिए और वहां से आपको ये ट्रांजिटिव वाला पार्ट थोड़ा क्लियर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस रिलेशन में हमारा क्या कर रहा है, 1,3 आर में बिलोंग कर रहा है, फिर कोई एक ऑर्डर पेयर इस तरह से होना चाहिए तो 3 से स्टार्ट हो, ठीक है, तो 1,3 हमारा आर में बिलोंग कर रहा है, 3,9 भी हमारा आर में बिलोंग कर रहा है, देखो ए कॉमा बी, बी कॉमा सी दोनों आर में बिलोंग कर रहा है, उस केस में हमारा क्या होना चाहिए था, 1,9 भी हमारा आर में बिलोंग करना चाहिए, तभी हम इस रिलेशन को ट्रांजिटिव कहेंगे। बट यहाँ पे हमारा 1,9 आर में बिलोंग कर ही नहीं रहा है, हम क्या कहेंगे, ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। सिर्फ एक को चेक करने की जरूरत पड़ती है, अगर कोई चीज हमारा सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है या रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिर्फ एक चीज को पकड़ लो उसको, वहीं पे तुम बस एक चीज से शो कर सकते हो कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे थर्ड पार्ट में क्या लिखेंगे, यहाँ पे कि 1,3 हमारा बिलोंग कर रहा है आर में, 3,9 फिर उसके बाद 3 से स्टार्ट हो रहा है ना हमारा, ए कॉमा बी, बी कॉमा सी,
ए की जगह 1 है, बी की जगह 3 है और सी की जगह क्या है 9 है। तो 3,9 भी हमारा आर में बिलोंग कर रहा है, बट 1,9 हमारा आर में बिलोंग करना चाहिए था, तब हम बोलेंगे कि ये हमारा ट्रांजिटिव होगा। बट यहाँ तो हमारा 1,9 हमारा आर में बिलोंग कर ही नहीं रहा है, नॉट बिलोंग्स टू आर, तो हम क्या बोलेंगे, ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। आई होप कि ये आपको समझ में आया हो, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव कैसे हम चेक करते हैं यहाँ पे। ये हमारा एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसका मैंने डायरेक्ट थर्ड पार्ट लिया हुआ है, तो थर्ड पार्ट क्या कह रहा है यहाँ पे, एक रिलेशन आर है किसी सेट ए में, और सेट ए क्या दिया हुआ है हमें, 1,2,3,4,5,6, ठीक है। और रिलेशन कुछ इस तरह से डिफाइंड किया हुआ है कि एक आर एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, जो वाई है वो एक्स से क्या है, डिविजिबल है कह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे रिलेशन थोड़ा सा यहाँ डिफाइन कर लेते हैं, यहाँ पे उसको ओपन कर लेते हैं। तो हमारे पास देखो सेट ए से सेट ए में रिलेशन जा रहा है, ठीक है, सेट ए से सेट ए में रिलेशन जा रहा है। ये भी मैंने बताया था आपको कि ये एक्स की वैल्यूज होंगी, ये वाई की वैल्यूज होंगी। सेट ए में एलिमेंट क्या है, 1,2,3,4,5,6, सिमिलरली इसमें भी 1,2,3,4,5,6, ठीक है। तो इसमें क्या क्या कहा हुआ है कि जो वाई है हमारा वो एक्स से डिविजिबल है। तो देखो रिलेशन बनाने की कोशिश करो, तो देखो ये 1 तो 1 से डिविजिबल होगा, तो 1 का तो 1 के साथ रिलेशन चला जाएगा, 2 2 के साथ भी डिविजिबल होता है तो 2 2 के साथ भी हो जाएगा, 3 3 के साथ खुद ही डिविजिबल होते हैं सारे अपने 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 एलिमेंट के साथ। तो ये सारे पहले, ये तो पहले सिंगल सिंगल दिखा दिया मैंने, ठीक है, 1,2,3,4,5,6 ये सारे क्या होंगे, 1,2,3,4,5,6 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। अब देखो ये 1,2 से डिविजिबल है नहीं, तो इसको इसका इसके साथ रिलेशन नहीं आएगा, बाकी किसी के साथ भी इसका रिलेशन नहीं आएगा 1 के अलावा। 2 का 2 के साथ है, ठीक है, बट 2 का 3 के साथ 4 के साथ किसी के साथ डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। 3 का 3 के साथ है, बाकी किसी के साथ नहीं होगा। 4 का देखो, 4 का 1 तो 4 के साथ डिविजिबल है, अच्छी बात है। दूसरा क्या कहते हैं यहाँ पे, 4 का हमारा 2 के साथ भी तो डिविजिबल होगा, 4 क्या होगा, 2 से डिविजिबल है नहीं है, तो इस 2 का 4 के साथ भी रिलेशन आएगा, ठीक है। सिमिलरली इस 4 का और किसी के साथ, बाकी और किसी के साथ नहीं। 5 का तो 5 के साथ हो सकता है, और क्या हो सकता है 5 का, और क्या हो सकता है 5 का। और हाँ, इसमें एक और चीज ध्यान रखना, 2 का 2 के साथ होगा और 2 का 1 के साथ भी तो होगा, और इस 3 का भी 1 के साथ होगा, 4 का भी 1 के साथ होगा, 5 का 5 के साथ तो है ही, लेकिन किसके साथ भी होगा, 1 के साथ भी होगा 5 का। सिमिलरली 6 का किसके साथ होगा, 1 के साथ भी होगा 6, ठीक है, 1 के साथ भी होगा। 6 हमारा 2 के साथ भी होगा, क्योंकि 6 2 से भी डिविजिबल है। 6 हमारा 3 के साथ भी होगा, 3 से भी डिविजिबल है। 6 हमारा 1 तो 6 से होगा, बाकी 4 से नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, ठीक है। तो रिलेशन कुछ इस तरह से आ रहा है हमारा, ठीक है। देखो 1 का सबके साथ आ रहा है, 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 3 के साथ भी आ रहा है, 4 के साथ भी आ रहा है, 5 के साथ भी आ रहा है, एंड 6 के साथ भी आ रहा है, ठीक है, 6 के साथ भी आ रहा है, ठीक है। बाकी 2 का किसके साथ आ रहा है, 2 का 2 के साथ ही आ रहा है, और 2 का 4 के साथ भी आ रहा है। 3 का किसके साथ आ रहा है, 3 का यहाँ पे 3 के साथ आ रहा है, और इसी 3 का 6 के साथ भी आ रहा है, ठीक है। 4 का यहाँ पे 4 के साथ, 5 का 5 के साथ, एंड 6 का, इसमें एक ध्यान रखना, 2 का हमारा 6 के साथ भी आ रहा है, इसमें 2 का 6 के साथ भी लिख लो, 3 का हमारा 3 के साथ, 3 के साथ 6 भी लिख लिया, और बाकी 6 का 6 का, तो ये रिलेशन आ रहा है टोटल, ठीक है। टोटल रिलेशन हमारे ये इतने आ रहे हैं, ठीक है। अब हमें ये चेक करना है कि ये जो हमारा आर है ये यहाँ पे रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। रिफ्लेक्सिव कैसे हम पता कर रहे हैं कि ए कॉमा ए सारे बिलोंग आर में कर जाने चाहिए, ठीक है, ए कॉमा ए आर में बिलोंग कर जाने चाहिए। तो अब ये आर में बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा है वो तो हम देखेंगे यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे
इसमें एलिमेंट सेट ए में एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4 5 6, तो 1, 2, 3, 3 एंड सो ऑन टू 6, 6 आर में आने चाहिए। तो 1, 1 भी मिल रहा है, 2, 2 भी मिल रहा है, 3, 3 भी मिल रहा है, 4, 4 भी मिल रहा है, 5, 5 भी मिल रहा है एंड 6, 6 भी मिल रहा है। तो सारे इसमें क्या हो रहे हैं, यहाँ पे सारे एलिमेंट इसमें आर में आ रहे हैं। ये हमारा रिलेशन आर क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। ये आर हमारा रिफ्लेक्सिव होगा। तो इसको लिखोगे कैसे, इसको लिखेंगे कैसे यहाँ पे, देखो डेफिनेशन हमारी इसकी कुछ इस तरह से होती है ना, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर में आने चाहिए। तो यहाँ पे एक्स कॉमा वाई के अकॉर्डिंग दिया, तो सीन्स हम क्या लिखेंगे, सीन्स एक्स इज डिविजिबल बाई एक्स, डिविजिबल बाई एक्स, एक्स क्या है, एक्स से ही डिविजिबल होता है यहाँ पे, क्योंकि वाई की जगह भी यहाँ पे एक्स काम करेगा। जो ए कॉमा ए लिख रहे हैं ना, इसको एक्स कॉमा एक्स भी लिख सकते हो आप, ठीक है। सीन्स एक्स इज डिविजिबल बाई एक्स, सो एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। एक्स कॉमा एक सारे आए नहीं हमारे पास, 1, 1 भी आया, 2, 2 भी आया, 3, 3, 4, 4 एंड 5, 5, 6, 6 भी हमारे आर में आए। तो इन जनरल मैंने सारे लिख लिए यहाँ पे, ठीक है। अगर आप एक्सपेंड करके लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे ये लिख सकते हो कि 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, ये सारे किस में बिलोंग कर रहे हैं, आर में। या तो इस तरह से लिख लो, या इन जनरल हम इस तरह से भी लिख सकते हैं सारे एलिमेंट। अब यहाँ पे तो चलो सिर्फ 6 एलिमेंट थे, इस तरह से हमने लिख लिए, लेकिन कभी इन फ्यूचर कभी क्या होता है कि किसी क्वेश्चन में 100 एलिमेंट होंगे, तो 100 एलिमेंट को हम सारे लिख तो नहीं पाएंगे ना, इतना काफ़ी स्पेस घेर लेगा वो। तो इसलिए हम इन जनरल इस तरह से लिख लेते हैं यहाँ पे रिफ्लेक्सिव को शो करने के लिए इन जनरल लिख लेते हैं यहाँ पे। मैंने सारे लिख लिया कि एक्स कॉमा एक्स हमारा आर में बिलोंग कर रहा है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अभी तुम्हारे पास सिर्फ 6 एलिमेंट है, तुम इसको भी शो कर सकते हो, बाकी इन जनरल ऐसे लिखने की कोशिश करना यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये सारे एलिमेंट इस आर में आ रहे हैं, सच दैट आर इज रिफ्लेक्सिव, सो आर इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। देयरफॉर आर इज यहाँ पे रिफ्लेक्सिव। तो ये हम बोल सकते हैं कि ये वाला जो रिलेशन हमारा आर है, ये रिफ्लेक्सिव होगा। अब हमें चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है नहीं है, चेक सेकंड पार्ट चेक करते हैं, चेक सिमेट्रिक। अब ये चेक करना है कि ये हमारा रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं है, तो देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे, हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, 1, 2 तो R में बिलोंग कर रहा है, इसका अपोजिट 2, 1 भी अगर R में आ रहा होगा तो ये हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। मतलब सारे एलिमेंट के लिए चेक करना पड़ता है, बट फिलहाल मैं यहाँ पे 1, 2 को देखता हूँ। देखो 1, 2 तो हमारा R में बिलोंग कर रहा है, कहीं पे 2, 1 दिख रहा है, नहीं 2, 1 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, 1, 2 belongs to R, but 2, 1 not belongs to R. Therefore, R is not symmetric. देखो अदर वर्ड में तुम इसको कैसे लिख सकते हो, ये भी समझो। जैसे हमने यहाँ पे इन जनरल लिखा हुआ है ना, इन जनरल तुम इसको कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे तुम क्या बोलोगे, 2 is divisible by 1, but 1 इज नॉट डिविजिबल बाई 2। कोई और भी ले सकते हो, 2, 4 वाला भी ले सकते हो यहाँ पे। तुम यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 4 इज डिविजिबल बाई 2। ये मैं इसके अकॉर्डिंग ले रहा हूँ, इसने बोला हुआ है कि y इज डिविजिबल बाई x, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 इज डिविजिबल बाई 2, बट 2 इज नॉट डिविजिबल बाई 4। इस तरह से भी तुम लिख सकते हो। थर्ड वाला पार्ट हमारा ट्रांजिटिव है, तो ट्रांजिटिव चेक करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे ट्रांजिटिव की डेफिनेशन पता ही है कि अगर ए कॉमा बी हमारा आर में बिलोंग कर रहा है, बी कॉमा सी आर में बिलोंग कर रहा है, दिस इम्प्लाई दैट ए कॉमा सी भी हमारा आर में बिलोंग करेगा। इन जनरल तरीके से भी हम इसको लिखेंगे यहाँ पे किस तरह से, पहले हम इसको सिर्फ चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक मैंने एक कंडीशन में चेक कर लेता हूँ, जैसे हमारा 1, 2 आर में बिलोंग कर रहा है, उस केस में 2, 4 भी R में बिलोंग कर रहा है, फिर क्या होना चाहिए,
फिर क्या होना चाहिए? इसमें 1.4 भी आर में बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा है उसको देख लो, 1.4 भी हमारा आर में बिलोंग कर रहा है। तो इस केस में तो मतलब एक कंडीशन को हमने चेक करा है यहाँ पे, वो ट्रांजिटिव शो हो रहा है। उसी तरह तुम देख लो, 1.3 हमारा आर में बिलोंग कर रहा है, फिर 3.6 भी हमारा आर में बिलोंग कर रहा है, फिर 1.6 आर में बिलोंग करना चाहिए, 1.6 हमारा आर में बिलोंग कर ही रहा है, ठीक है। तो इस केस में देखो ये ट्रांजिटिव हो रहा है। देखो खुद ही सोच लो, एक इन जनरल सोचो यहाँ पे कि हमारा अगर y इज डिविजिबल बाई x, डिविजिबल बाई x कहने का मतलब है कि अगर x, y हमारा r में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, सच दैट, इसका मतलब क्या हुआ था जो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग y इज डिविजिबल बाई x, फिर y, z भी हमारा r में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, डेफिनेशन इसकी ये है। तो इस केस में हमारा क्या होगा, जो z होगा वो डिविजिबल बाई x होगा, z इज डिविजिबल बाई x, डिविजिबल बाई x। देखो एक तो क्या हमारा, एक क्या हमारा कि जो y है वो x से डिविजिबल है, जो y है हमारा वो x से डिविजिबल है, और z हमारा y से डिविजिबल है, क्लियर है यहाँ पे हमारा कि जो z होगा वो x से भी डिविजिबल होगा, जैसे कि मैं यहाँ पे a को ले लेता हूँ, एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि जैसे 2.4, इस केस में हमारा 4 क्या है, 2 से डिविजिबल है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्या ले लिया मैंने, 4.8, जो 8 है वो 4 से भी डिविजिबल है, तो 2.8 को चेक करोगे क्या हमारा 8 2 से डिविजिबल नहीं है? बिल्कुल है। इसी तरह से तो कंडीशन है कि y इज डिविजिबल बाई x, z इज डिविजिबल बाई x, देन 8 इज डिविजिबल बाई 2, तो क्लियर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा जेट होगा वो एक्स से भी डिविजिबल होगा, सो देयरफॉर जेट इज डिविजिबल बाई, यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हो, x, z भी हमारा आर में बिलोंग करेगा, जेट इज डिविजिबल बाई एक्स, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। तो ये वाला रिलेशन हमारा क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा यहाँ पे, क्लियर है। तो जनरल लैंग्वेज में हम इसको इस तरह से लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि सारे एलिमेंट को चेक करना कभी क्या होता है, यहाँ पे भी ज़्यादा एलिमेंट है नहीं, चलो तुम चेक कर सकते हो, कभी क्या होता है कि बहुत सारे एलिमेंट इसके अंदर आ गए तो फिर किस किस को चेक करोगे यहाँ पे, ठीक है। तो इन जनरल यहाँ पे इन जनरल सोचने वाली चीज़ है यहाँ पे, मतलब खुद ही यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि किस तरह से हम कर सकते हैं, बाकी तुम एक रिलेशन बना के देख लो और चेक भी कर सकते हो यहाँ पे कि ये हमारा ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो जनरल हम इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो सारे एलिमेंट के तुले तो हम एक एक बार लिख नहीं सकते, यहाँ पे सारे एलिमेंट को यहाँ पे शो नहीं करवाएंगे, तो अगर कोई चीज़ यहाँ पे सिमेट्रिक वगैरह होती है तो उनको जनरल लैंग्वेज में लिखा जाता है इस तरह से, ठीक है। अगर कोई चीज़ अगर सिमेट्रिक वगैरह या ट्रांजिटिव वगैरह नहीं है तो उसमें तुम कोई एक चीज़ ढूंढ लो कि ये वाली कंडीशन आर में नहीं आ रही है, तो इस केस में हम डायरेक्ट बोलेंगे कि ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं है या रिफ्लेक्सिव नहीं है या सिमेट्रिक नहीं है। जैसे यहाँ पे ये वाला हमने सिमेट्रिक के लिए चेक करा था, 1.2 आर में बिलोंग कर रहा था, बट 2.1 हमारा आर में बिलोंग नहीं कर रहा था, मैंने डायरेक्ट इसमें इतना बोल दिया कि आर इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। तो ना कोई भी चीज़ शो नहीं करते हैं तो इसको डायरेक्टली लिख लेते हैं, बट कोई चीज़ शो हो रही है यहाँ पे, जैसे ये ट्रांजिटिव हो रहा था ये रिलेशन, तो उसको इन जनरल ऐसे लिखा जाएगा। आई होप कि ये क्लियर हो आपको। इसी तरह आप बाकी क्वेश्चनों को ट्राई करके देखना, काफ़ी आसान क्वेश्चन है इसके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।